फिर मुझे डॉक्टर अंजू कुछ केस प्रस्तुत करेंगी छोटा सा। प्लीज। जी डॉक्टर अंजू जी, जी सर, वेलकम। माइंड टेक्निक में अभी मैं नई हूँ सर, और माइंड टेक्निक सुनने के बाद, सीखने के बाद छोटा छोटा केस में हमको सफलता मिल रहा है। कैमरा ऑन कर लीजिए। और एक 9 साल का बच्चा है सर, वो आता है और क्लिनिक में सब पहले उसके पापा आते हैं, बोलते हैं मेरे बच्चे को परेशानी है, क्या आपके यहाँ इलाज है? तो बोले क्या परेशानी है? तो उसके हाथ से पसीना बहुत आता है। बोले ठीक है, एक बार दिखाइए बच्चे को। तो लेकर आए, मैं पूछी क्या हुआ बाबू? तो बोल रहा है पेंसिल छूट जाता है लिखते हैं तो, और कुछ नहीं हुआ है, थोड़ा तोतला बोलता है हल्का बस, और सब ठीक है, सिर्फ पेंसिल छूट जाता है। तो क्या लगता है उस समय आपको क्या महसूस होता है? तो बोल रहा है कि काश पेंसिल नहीं छूटता और मैं अच्छे से लिख पाता, देखने में एकदम प्यारा सा सुंदर भोला भाला चेहरा। फिर उसके पापा से पूछते हैं कि और इसके स्वभाव के बारे में बताइए। तो बोलते हैं ठीक है, स्वभाव ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सीधा साधा बच्चा है, सारा बात मानता है, कुछ भी जिद नहीं करता है, कभी जिद करता भी है तो थोड़ी देर में मान जाता है। तो फिर उसके बाद हम उसको देखें, चेहरा स्माइलिंग फेस तो था ही, और रोगी कह रहा है कि कुछ नहीं लगता है कि काश पेंसिल ना फिसलता। तो इसको बिजनेस टॉक लिए और शांत स्वभाव का है, कोई दिक्कत नहीं है, और तो इसको नेब लिए। और उसके बाद एक और बात बताया, उसी समय उसकी छोटी बहन थी साथ में, तो थोड़ा सा स्लिप करने लगी मेरे क्लिनिक में ही, तो तुरंत जाके पकड़ लिया, उसको गिरने नहीं दिया। और पूछे मम्मी पापा से तो कह रहे हैं कि हाँ ये बहुत केयर करता है अपनी बहन को, सारा चीज उसके लिए बेनिवोलेंस लिए और बेलाडोना दिए। 1 महीने के बाद आया, तो बच्चा कह रहा है कि अब मेरा पेंसिल छूटता नहीं है, काफी खुश है, और अभी फॉलोअप में रखे हुए हैं। और ऐसा सर माइंड टेक्निक में आने के बाद ही हुआ कि सिंगल डोज दे करके और सफलता मिला, नहीं तो हम लोग तो पहले साइलिसिया इस सब के बारे में सोचते थे, बेलाडोना तो सोचे भी नहीं थे पसीना के लिए। एक और छोटा सा केस सर, एक 7 साल की बच्ची थी, 17 तारीख को मेरे यहाँ, 17 दिसंबर को आई। उसको पूरे शरीर में एकदम खुजली हो रहा था, गर्म कपड़ा पहन नहीं पा रही थी इतनी सर्दी में भी। तो उसकी फुआ लेकर के आई थी, पूछ रही है कि इसका इलाज है आपके यहाँ? फुआ पूछी, बोले कोशिश करते हैं। फिर जब केस लेने लगे तो सब कुछ ठीक है, ठीक से खाती है, ठीक से पीती है, सारा बात उसकी फुआ बोले जा रही है। बच्ची से पूछे कि अच्छा ये बताओ बेटा, तुम किसी के यहाँ जाती हो तो तुम वो खिलाती है तुम्हारे फ्रेंड लोग? तो कह रही हाँ हमको खिलाता है लोग, और जो लोग मेरे यहाँ आता है उसको हम भी खिलाते हैं। बोले जो बच्चा तुमको अपना खिलौना शेयर नहीं करता है उसके साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा रहता है? तो बोलती उसको भी मैं खिलौना देती हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत खिलौना है और हमको उसको देना अच्छा लगता है क्योंकि उससे वो खुश हो जाती है। तो फिर इस पे डिल्यूजन वेल्थ और बेनेवोलेंस लेकर सल्फर दिए एक ही खुराक में, कल आई थी एक लगभग 1 महीने बाद, हाँ 17 दिसंबर, कल 18 तारीख को आई। उसका खुजली बिल्कुल खत्म हो गया, बोले उसकी फुआ बताई 2 या 3 दिन के बाद से ही सारा कपड़ा पहनने लगी और कोई जगह पर खुजली का कुछ निशान नहीं था। तो उनको बहुत खुशी हुआ माइंड टेक्निक का सफलता देख करके और माइंड टेक्निक पर काम करके, बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू। यू सर। थैंक यू।